नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बीकानेर में परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लार्ड प्लाजा होटल जयपुर में रखी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत मीडिया को बताया कि राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। परिवर्तन पार्टी का उदय जनता की सेवा के लिए हुआ। परिवर्तन पार्टी हर संभव प्रयास करेगी कि प्रदेश और देश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, हर तहसील जिला मुख्यालय पर रोजगार के लिए नए संसाधन उपलब्ध हो। डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट स्कूलों द्वारा काफी फीस वसूली जा रही है, जो कि आम पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। गवर्नमेंट स्कूलों में ये मान के चलिए कि आप जो भी टीचर्स जाते हैं वो पढ़ाते नहीं है, वो अपने टाइम पास करके निकल आते हैं। और क्योंकि जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हीं के स्कूल, उन्हीं के कॉलेज हैं। तो परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया चाहती है कि देश के अंदर या तो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट का हो, दो में से एक होना चाहिए, और या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, क्योंकि ये लोगों ने अपने सारे संस्थान खड़े कर रखे हैं जिससे जनता को कहीं ना कहीं लूटने का काम कर रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट के बंद कर दे, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए क्या है कि आज प्राइवेट अलग है और गवर्नमेंट अलग है, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा कि आम पेरेंट्स अपने, जिसके पास पैसा नहीं है वो गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेजता है, जिसके पास कुछ पूंजी है वो प्राइवेट स्कूल में भेजता है। और आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती आज के टाइम में। ये लोग चाहते हैं कि देश का नागरिक शिक्षित ना हो। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का उद्देश्य है कि देश का हर व्यक्ति शिक्षित हो, जिससे देश का विकास हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि हर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर दौड़ लगाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ फैसिलिटी नहीं है। तो परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया उसी दिशा में काम कर रही है। आपके 22 राज्यों में तो कितने विधायक अभी तक आपके पास? नहीं, देखिए पहली बार हम चार राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी की स्थापना 2019 में हुई है और किसी भी प्लेटफॉर्म की जब शुरुआत होती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी संगठन की, तो शुरुआत में इतना नहीं होता है। अब पहली बार इलेक्शन में जा रहे हैं, अब जनता जनार्दन, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता को तय करना है कि